एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। रुक करते हैं सियासी गलियारे से जुड़ी खबरों की ओर। मंगलवार की शाम सदन में हुई हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिला विधायकों के साथ बदसलूकी हुई है, इतना ही नहीं उन्हें मारा पीटा भी गया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार के इस काले दिन को बिहार की जनता याद रखेगी। कहां से बिल्डिंग से पत्थर कहां से आया भाई? बिल्डिंग में ऊपर जैसे हम पहुंचे वैसे बौछार करने देंगे। कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया मेरे से बात करने, कोई एसपी नहीं था वहां बात करने के लिए। एक व्यक्ति अगर आप लोगों के पास फुटेज होगा, रिकॉर्डिंग होगा, अगर कोई मेरे पास, जब हम पहुंचे डाक बंगला चौड़ा, जाते पहुंचने के साथ ही जो है बौछार करना शुरू कर दिया। और ऊपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट्स है उसके ऊपर वाले बिल्डिंग से ही पहले ही से तैनात इतने बोल्डर पत्थर थे। मेरे साथ जो गाड़ी में खड़े थे वो घायल हो गए, क्या करेंगे? सदन में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का। मंगलवार को महिला विधायकों के साथ बदसलूकी पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रावड़ी देवी ने गुस्सा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा कि विधानसभा में महिला विधायकों का चीरहरण होता है और सीएम नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बनकर देखते रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो आपको बता दें कि मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला बिहार के राजनीतिक गलियारे में। सुबह से ही रैलियां जब निकाली जा रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे आरजेडी के द्वारा, तभी पत्थरबाजी की गई। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उसके बाद विधानसभा के बाहर तमाम विधायकों ने प्रदर्शन किया और विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की। वहां बाहर बैठे विधायकों ने उन्हें बाहर आने से रोक दिया, जिसके बाद वहां के तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद एसएसपी और डीएम को तलब किया गया। एसएसपी डीएम विधानसभा पहुंचे और इन्हें हटाने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस के लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने तमाम आरजेडी विपक्ष के विधायकों को घसीट कर विधानसभा के बाहर निकाला, जिसमें महिला विधायकों को भी, जो महिला विधायक हंगामा कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें भी बाहर निकाला गया। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। मनोज जी, इस पूरे घटनाक्रम को, कल जो कुछ भी हुआ, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यह घटना मंगलवार की दोपहर से शुरू हुई है। उसके बाद जिस तरह दिन का पारा चढ़ता जा रहा था, सूर्य की गर्मी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे हाई वोल्टेज ड्रामे में इजाफा होता जा रहा था। लगातार सियासी गलियारे का तापमान भी बढ़ता जा रहा था और शाम होते होते यह अचानक काफ़ी ज़्यादा हंगामा, यह पहली बार ऐसा विधानसभा में देखने को मिला है जहाँ विधायकों के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ा है और तमाम विपक्ष के विधायकों को पुलिस बल ने घसीट कर विधानसभा के बाहर निकाला और महिला विधायकों को भी महिला पुलिसकर्मियों ने बाहर निकाला। और आज मंगलवार की, बुधवार की कार्यवाही का अंतिम दिन है। आज बजट सत्र का अंतिम दिन है जिसमें जितने भी विधायक हैं विपक्ष के, वो काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन के अंदर मौजूद नहीं है, सब बाहर काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह। मनोज जी, जिस तरह से कल घटनाक्रम देखने को मिला है बिहार विधानसभा में पहली बार, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कल जो विधान मंडल के परिसर में या विधानसभा के अंदर में जो कुछ भी घटनाएं घटी जी, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार विधान मंडल का कल का दिन काला अध्याय के रूप में इसको देखा जा सकता है। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाया, उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष को पुलिस बुलानी पड़ी, विधायकों को वहां से बाहर निकालना पड़ा, धक्का मुक्की भी हुई
और इसके बाद महिलाओं के साथ भी अभद्रता का आरोप लगा, महिलाओं के साथ भी पुलिस जाती की। राबड़ी देवी ने इसको ट्वीट करके कहा है कि महिलाओं का चीरहरण हुआ। यहाँ से बिहार का कानून बनता है, सत्ता का जो केंद्र है वहां पर महिलाओं का चीरहरण होता है। जो पूर्व मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी, उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जिस तरह से विधानसभा में महिलाओं का चीरहरण हुआ और धृतराष्ट्र की तरह नीतीश कुमार देखते रहे, तो जाहिर सी बात है कि ये बिहार के लिए ये काला अध्याय है। अब और जिस तरह से कल विधानसभा में हंगामा हुआ, देर रात तक हंगामा चलता रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो नियम कायदे कानून थे उसको, या फिर जो पुलिस बिल जो पास कराना था उसको लेकर के भी बाद में देर रात तक विधानसभा को चलाया गया। तो जिस तरह से दिन भर कल का जो ड्रामा चलता रहा, एक बात हम समझना चाह रहे हैं कि आखिर विपक्ष की मंशा क्या थी विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरना देकर या फिर उन्हें बंधक बनाने के पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी? देखिए मंजुल, एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से कल विपक्षी पार्टियों का, खासकर के आरजेडी ने जो विधानसभा घेराव का आह्वान किया था, तेज और तेजस्वी दोनों लीड कर रहे थे, जेपी गोलंबर से उनका प्रोसेशन निकलता है, डाक बंगला पर उनको बैरिकेडिंग से रोक दिया जाता है। हालांकि जिस तरह से कार्यकर्ता उग्र हो गए थे, पत्थरबाजी भी उसमें होने लगी थी, उसको लेकर के पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, ये वाटर कैन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इससे गुस्साए, माने इसी की प्रतिक्रिया माना जा सकता है कि विधानसभा में विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया। तो इसको लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार कहते आ रहे हैं कि इस बजट सत्र में ये जिस तरह से जो शराबबंदी है, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरह से लगातार हमला, ये हमलावर रहा है विपक्ष सत्ता पक्ष पर, लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये आरोप रहा है कि सत्ता पक्ष को सुनती नहीं है, क्लीन चिट देती है। तो जाहिर सी बात है कि जब सत्र आज तक का ही सत्र है, 24 मार्च तक का ही सत्र ये शेड्यूल बना हुआ है और 23 तारीख को विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा घेराव करने का मूड बनाया, अनाउंस किया और घेराव करने के लिए जेपी गोलंबर से मार्च किया, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया। और जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हुए, तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि उनके कार्यकर्ता की मौत भी हुई है, एक एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई है। तो जिस तरह से कार्यकर्ता घायल हुए, उसी के मैं प्रतिक्रिया स्वरूप इसको माना जा सकता है कि विधानसभा में जो विपक्षी पार्टियां हैं, हालांकि कांटे का की जो संख्या है वो कांटे की संख्या है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी संख्या पर विधानसभा का घेराव करना और विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाने की कोशिश करना, ये दोनों दो बातें हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाना, ये कितना न्याय संगत, कितना उचित लग रहा है आपको विपक्ष की तरफ से ये कार्रवाई? नहीं, ये तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसको गैर कानूनी कहा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लेना, उनको चैंबर से बाहर नहीं निकलने देना, ये सरासर ये गैर कानूनी ये कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये जो घेराव मार्च जो निकाली थी आरजेडी ने, मनोज जी, हम चाह रहे कि जनता के सामने सही तस्वीर पेश करें, क्योंकि सत्ता पक्ष या विपक्ष पर आरोप लगा रही है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन जिस तरह चीजें निकल कर आ रही है, मनोज जी, आपको क्या लगता है कि क्या कोई और तरीका हो सकता था विधायकों को सदन से बाहर निकालने का, जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, क्या ये सही था? देखिए, अगर जिस तरह से विपक्षी हंगामा कर रहे थे और जो विधानसभा अध्यक्ष का को उन लोगों ने बंधक बना लिया, विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस वहां पर ये बुलाया विजय सिन्हा, तो पुलिस भी जो है, इसके पहले भी हंगामा होते रहे हैं, लेकिन इस कदर हंगामा नहीं हुआ है। हंगामा हम लोग बहुत दिन से जो है ये सेशन को कवरेज करते रहे हैं, हंगामा होते रहे हैं, लेकिन ये लोग बाहर में बेल में आकर के भी हंगामा करते हैं, अंदर भी हंगामा करते हैं, लेकिन कल जिस तरह से हुआ है वो उसका एक रास्ता निकल सकता था कि पुलिस इन लोगों को वहां से हटा करके खींच करके बाहर कर दे। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें, ये कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती,
ये तस्वीर भी सामने आई थी कि दिवाकर सिंह को पुलिस पैर से मार रही है, तो लातम मुक्के जो है मारना ये जनप्रतिनिधि के लिए कहीं ना कहीं ये भी गैर कानूनी है। तो एक तरफ से कहा जाए तो विधानसभा में कल सारी मर्यादाएं टूट गई, और इसीलिए कहा जा सकता है कि बिहार के लिए कल का दिन काला अध्याय ही कहा जा सकता है। मंजू जी, मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के सामने, हमारे दर्शकों के सामने, ऐसी सही तस्वीर पेश कर सके कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया सामने कैसे निकली, किस तरह से क्या कुछ कल हाई वोल्टेज ड्रामा हुए देखने को मिला, जिस तरह से सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है, विपक्ष पर विपक्ष आरोप लगा रही है, सत्ता पक्ष पर क्या कुछ हुआ दोनों तरफ की ओर से, यह दिखाने की आपको, यह सही तस्वीर पेश करने की आपको हम कोशिश कर रहे हैं।